झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल दिल्ली दौरे में गए हुए थे। हालांकि इस बार आप तस्वीर देख सकते हैं कि राज्यपाल रांची पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से सीधा राजधानी रांची पहुंच चुके। सर, सर, सर। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राज्यपाल इस वक्त राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। एक और जहां पे यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक हैं, 1 सितंबर को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किए थे, तमाम चीजों को स्पष्ट करने की बात कहे थे। वही राज्यपाल ने सीधे शब्दों में कहा था कि 2 से 3 दिनों में तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि राज्यपाल 1 सितंबर को दिल्ली दौरे में गए हुए थे और आज लगभग 6 दिनों के बाद राज्यपाल राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। तमाम जो यूपी खेमे के विधायक हैं, उनका कहना है कि राज्यपाल जरूर उनके हित में फैसले लेंगे। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि लंबे समय से तमाम जो लोग हैं वो राज्यपाल का इंतजार कर रहे थे। हालांकि राज्यपाल का जो दौरा दिल्ली का था उसको निजी बताया जा रहा था, लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी उसको देखा जा रहा था। आप देख सकते हैं काफिला जो है राज्यपाल का इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकल चुका है। हालांकि अगर यूपीए खेमे विधायकों की बात करेंगे तो लगातार उनका कहना था कि राज्यपाल ने यह कहा है कि 2 से 3 दिनों में तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। लगातार ये भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ है। अब राज्यपाल आ गए हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ है। तो झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रहा है। लगातार यूपीए खेमे के विधायक जो है जो राजधानी रांची में मौजूद है, चूंकि आप सभी को पता होगा कि यूपीए खेमे के कई जो विधायक है, मंत्री है, वो रायपुर गए हुए थे, लेकिन जो यूपीए खेमे के विधायक है जो यहाँ पे बच चुके थे वो राज्यपाल से 1 सितंबर को मुलाकात करने के लिए गए हुए थे और लगातार राज्यपाल से ये आग्रह भी किए थे कि जल्द से जल्द तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जानी चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने तमाम यूपीए खेमे के विधायक और सांसद को कहा था कि 2 से 3 दिनों में तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन राज्यपाल दिल्ली दौरे के लिए निकल गए हुए थे। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जो राजभवन से जो सूचना हमें प्राप्त हो रही थी वो यही थी कि राज्यपाल फिलहाल निजी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद राज्यपाल एक बार फिर से राजधानी रांची पहुंचे। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जो सीलबंद लिफाफे की बात चल रही थी, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर जो मामले में ओहापो की स्थिति जो अभी बनी हुई है उसको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो आईने की तरह साफ होती हुई जरूर दिखाई देगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाई स्कोप रांची। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, टीसीएस, आईटीसी, कॉलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।